assalamualaikum students i am your g science teacher of class 4 from latif nazi memorial high school students open the book page number 62 this video is the continuation of our last video we were discussed in last video the topic materials and matter we will we will discuss matter and its form which are solid liquid and gases we were discussed in deep about solid and liquid today वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट about अबाउट चेंज ऑफ स्टेट नाउ स्टार्ट रीडिंग गैसेस particles in gases are not packed closely together. gases में particles जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में closely packed नहीं होते बहुत दूर दूर होते हैं द फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक वो फ़ोर्स वो ताकत जिसने पार्टिकल्स को जोड़ के रखा हुआ होता है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होती है ना होने के बराबर होती है दिस मीन्स जिसका मतलब है दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम इसका मतलब है कि जो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो छोटे छोटे जरात होते हैं वो पूरे टाइम मूव करते रहते हैं फ्रीली मूव करते हैं उनके अंदर दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन बाउंस ऑफ का मतलब है एक दूसरे से टकराना शूट ऑफ एक दूसरे को धकेलना वो पूरा टाइम एक बाउंस ऑफ एक दूसरे से टकराते रहते हैं एक दूसरे को अपने से दूर करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शंस तमाम डायरेक्शंस में तमाम सिमटों में वो इधर से उधर और उधर से इधर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर इनके दरमियान जो स्पेस होती है जो जगह होती है जो ख़ला होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अ गैस ऑक्योपाइज द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर गैस ने ऑक्यूपाई की भी होती है होल स्पेस पूरी जगह या तमाम जगह ऑफ इट्स कंटेनर अपने कंटेनर की तमाम जगह गैस ने घेरी हुई होती है गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम और ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है कोई फिक्स उनका हजम होता है वॉल्यूम की उर्दू मीनिंग है हजम के गैसेस का ना कोई फ़िक्स शेप है ना कोई फिक्स वॉल्यूम है क्योंकि उसके अंदर दरमियान फोर्स पार्टिकल्स में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ के नहीं रखते तो वो पूरी हर डायरेक्शंस में वो मूव करते रहते हैं बाउंस ऑफ करते हैं इसलिए उनकी कोई शेप नहीं होती ना ही उनके कोई फिक्स शेप होती है ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है इस तस्वीर में देखिए लिखा हुआ है इफ़ द गैस सिलेंडर इज़ ओपन अगर गैस का सिलेंडर ओपन किया जाए खोला जाए द पार्टिकल्स ये जो सिलेंडर है रेड कलर का के, कह रहे हैं कि अगर इस गैस सिलेंडर को खोला जाए द पार्टिकल्स विल एस्केप एंड ज्वाइन द पार्टिकल्स ऑफ द एयर आउटसाइड एस्केप मीन्स होता है फ़रार होना उर्दू आसान मीनिंग क्या है फ़रार होना तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़रात हैं वो किस में से निकल जाएंगे सिलेंडर में से निकल के कहाँ क्या ज्वाइन क्या कर लेंगे पार्टिकल्स ऑफ एयर एयर के पार्टिकल्स को ज्वाइन कर लेंगे जो बाहर की तरफ कंटेनर के बाहर जो फ़िज़ा है जो हमारी एयर है गैस के पार्टिकल्स उस एयर के पार्टिकल्स के साथ जाकर ज्वाइन कर लेंगे मिल जाएंगे वी कैन देन स्मेल द गैस और फिर हम गैस की महक महसूस कर सकेंगे स्मेल हम इस बात को महसूस कर सकेंगे कि कहीं से गैस लीक हो रही है कहीं से गैस इसकी स्मेल आ रही है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गए हैं हैं इसलिए हम गैस गैस को सूंघ सकते वी कैन स्मेल द नेक्स्ट पिक्चर देखिए नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास इसमें लिखा है अ मैन पंपिंग एयर इन टायर ऑफ बाइसाइकिल एक आदमी क्या कर रहा है पंप कर रहा है एयर को किसमेंट बाईसाइकिल के टायर में एयर पंप कर रहा है एयर विल फिल ऑल द अवेलेबल स्पेसेस इन द बाइसाइकिल टायर एयर क्या करेगी जब ती, जितनी भी खाली जगहें हैं उस टायर में बाईसाइकिल के टायर में जितनी भी खाली जगह है एयर उस आ, खाली जगह को फिल कर देगी और वो जो पंचर टायर है वो दोबारा से या जो जिस टायर में से हवा कम हुई हुई है जो टायर आ, आ, नरम सा हुआ हुआ है वो टायर दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा तो एयर क्या करेगी अवेलेबल uh, स्पेस को खाली जगह को टायर के भर देगी नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज ऑफ स्टेट चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है स्टेट क्या है मैटर की स्टेट कितनी है तीन स्टेट है सॉलिड लिक्विड एंड गैस अब चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना मैटर अगर सॉलिड की स्टेट में है तो वो लिक्विड की स्टेट में आए या लिक्विड की स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो रहा है जिस जो भी आ, आ, चेंजिंग हो रही है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या हो है, वो कैसे होती है वो है इसका टॉपिक का नाम है चेंजेस ऑफ स्टेट स्टेट का बदलना हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हीटिंग गर्म होना कूलिंग ठंडा होना गर्म होना और ठंडा गर्म या ठंडा कैन चेंज बदल सकता है अ सब्सटेंस किसी सब्सटेंस को फ्रॉम वन स्टेट टू अदर एक स्टेट से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला बदलने का तरीका क्या है या तो हीटिंग या तो कोलिंग या, या तो हीटिंग के जरिए या फिर कूलिंग के जरिए एक मैटर की एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ लिक्विड इज हीटेड इट कैन बिकम अ गैस अगर हम पानी को बॉयल करें एक लिक्विड को हीट अप करें पानी को बॉयल करें तो वो क्या हो जाता है गैस में तब्दील हो जाता है पानी बहुत ज़्यादा देर तक अगर बॉईल होता रहे और हम उसको ना देखें तो क्या होता है हमारा जो पैन होता है वो खाली हो जाता है क्योंकि तमाम पानी जो है वो एवोपरेट हो जाता है गैस बन के उड़ जाता है यानी हमने कौन सी स्टेट में रखा था लिक्विड स्टेट में मगर हीटिंग की वजह से वो गैस की स्टेट में चेंज हो गया और पानी एवॉपरेट हो गया इफ़ अ सॉलिड इज़ हीटेड अगर सॉलिड को गर्म किया जाए इट कैन बिकम अ लिक्विड वो लिक्विड में तब्दील हो सकता है मतलब अगर एक आइस क्यूब है आइस क्यूब को चार पांच आइस क्यूब को हम पैन में डाल के अगर हीटअप करेंगे तो वो क्या होगा वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा लिक्विड गैस बन गया और सॉलिड लिक्विड बन गया हीटिंग से सब्सटेंसेस चेंज स्टेट व्हेन दे मेल्ट बॉइल कंडेंस और फ्रीज सब्सटेंस जो है अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं जब उन्हें मेल्ट किया जाए बॉयल किया जाए कंडेंस किया जाए या फिर उन्हें फ्रीज़ किया जाए उन्हें जमाया जाए पिघलाया जाए आ, या बॉयल किया जाए किस कुछ भी किया जाए तो मैटर अपनी चीज सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा यहाँ ये डायग्राम जो बनी हुई है इससे हमें समझ में आएगा ये आइस क्यूब है आइस क्यूब मेल्ट हुई मेल्टिंग क्या बन गया ये सिंपल लिक्विड बन गया ये लिक्विड एवोपरेट होके गैस में तब्दील हो गया मेल्टिंग एवोप्रेशन स्टेट क्या थी सॉलिड थी लिक्विड में आई लिक्विड से वापस गैस बन गई गै, आइस क्यूब हमारे पास मेल्ट हुआ लिक्विड बना एवोपरेट होके गैस हो गया अब गैस के बाद हमारे पास एरो वापस हमारे पास रिटर्न में लगा हुआ है कंडेंसेशन क्या लफ्ज लिखा हुआ है कंडेंसेशन व्हाट इज कंडेंसेशन गैस की स्टेट का वापस लिक्विड में तब्दील होना का प्रोसेस क्या कहलाता है कंडेंसेशन गैस जब वापस लिक्विड में तब्दील होती है तो कंडेंसेशन कहलाती है जब हमारे पास गैस हमारे पास कोई पैन में पानी गर्म हो रहा है उस पर हम ढक्कन लगा देते हैं जब पैन हमारे पास आ, उस पर पानी उसमें गर्म हो रहा था और उसके ऊपर ढक्कन हम अगर रख दें तो आपने देखा होगा कि जो है तो गैस के जो जब पानी बॉयल होता है तो उस ढक्कन पे लिक्विड के मॉलिक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े थोड़े कतरे हमें नज़र आते हैं कि वो जो ढक्कन है हमारा वो अंदर से गीला हो चुका होता है क्योंकि गैस जो है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में आती है तो वापस वो लिक्विड बन जाती है उसके बाद दोबारा लिक्विड अगर फ्रीज़ हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा सॉलिड तो ये पूरा प्रोसेस है चेंज ऑफ स्टेट यानी सॉलिड कैसे लिक्विड में तब्दील होता है लिक्विड गैस में तब्दील होती है गैस कंडेंसेशन के प्रोसेस से दोबारा लिक्विड में तब्दील हो और लिक्विड को अगर हम फ्रीज कर दें दोबारा तो वो दोबारा जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट द पार्टिकल्स इन सब्सटेंस रिमेन द सेम किसी भी सब्सटेंस में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सेम रहते हैं वॉट एवर द स्टेट चाहे स्टेट कोई सी भी हो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो उसके पार्टिकल्स सेम ही रहते हैं सॉलिड में सॉलिड के ही होते हैं लिक्विड में लिक्विड के ही होंगे और गैस में गैस के ही होंगे द डिफ्रेंस इज़ दैट फर्क सिर्फ इतना है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट द सेम उनके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो सेम नहीं रहती है वो चेंज होती है सॉलिड है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स करीब होंगे लिक्विड है तो थोड़े दूर होंगे और गैस है तो बहुत ही ज्यादा दूर होंगे तो डिफरेंस क्या है सिर्फ कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो सेम नहीं होती है बाकी हमारे जो पार्टिकल्स हैं अपने सब्सटेंस में वो सेम ही होते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीरें दी हुई हैं सॉलिड लिक्विड और गैस की इनके पार्टिकल्स की ये नीचे अरेंजमेंट दिखाई हुई है कि किस तरीके से पार्टिकल ये देखें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनकी एक फ़िक्स शेप नज़र आ रही है हमें और इनके दरमियान ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई है ये बॉन्डिंग शो कर रही है कि कितने क्लोजली इन्हें अटैच किया हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी हर पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन में है एक दूसरे से अलग कोई सा भी नहीं है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसने एक परफेक्ट शेप बना रखी है तो ये ऊपर तस्वीर जो डायमंड दिया हुआ है ये सॉलिड की स्टेट बता रहे हैं और उसकी अंदर के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है कि इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम में जूस का ग्लास है जूस क्या है हमारे पास लिक्विड है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब तो हैं लेकिन इनके दरमियान आप गौर से देखें तो कोई भी बॉन्डिंग की लाइन शो नहीं की हुई है ये अगर हम इसके ये ग्लास को अगर हम इसको बॉटल में कन्वर्ट कर देंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई बॉन्डिंग नहीं है ये वो उसकी शेप ले लेंगे आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं हैं करीब तो है मगर क्या है इनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है आ, हमारे पास नेक्स्ट तस्वीर है जो बनी हुई है उसमें दिए है हमारे पास क्लाउड्स क्लाउड्स क्या है ये भी लिक्विड की एक फॉर्म है क्योंकि क्लाउड्स में क्या होता है लिक्विड होता है पानी होता है तो लेकिन क्या है क्लाउड हमारे पास लाइट लिक्विड है जबकि जूस हमारे पास ये जो है ये डेंस लिक्विड है कुछ लिक्विड के भी दो तरह के फॉर्म्स होती हैं या लिक्विड लाइट भी होते हैं डेंस भी होते हैं अब जैसे वाटर है वाटर हमारे पास लाइट लिक्विड है मगर हनी हनी भी लिक्विड है मगर वो डेंस है क्योंकि हनी गाढ़ा भी होता है हनी और लिक्विड जो है वो पानी जो है हमारे पास वो जितनी तेज़ी से पानी बहता है उतनी तेज़ी से हमारे पास हनी नहीं बह सकता है जबकि हैं दोनों लिक्विड तो इनकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है इसी तरीके से जैसे जूस की और क्लाउड्स की लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से है इतनी दूर दूर और जबकि जो हनी के पार्टिकल्स कैसे होंगे इतने करीब करीब होंगे हैं दोनों लिक्विड लेकिन इनके दरमियान फ़र्क क्या है लाइट का और डेंस का बिल्कुल इसी तरीके से क्लाउड्स के पार्टिकल्स इतने दूर इसलिए है ये भी लिक्विड लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने दूर क्यों हैं क्योंकि ये लाइट लिक्विड है इसके मुकाबले में जूस के मुकाबले में इसके बाद ये हमारे पास दी हुई लास, लास है लास्ट लास्ट जो पिक्चर दी हुई है ऊपर लिखा हुआ है नियन गैस गैस को जाहिर सी बात है शो नहीं कर सकते उसको कोई आ, डायग्राम नहीं दे सकते इसलिए लिखा हुआ है नियोन साइंस के गैस का एक नाम है गैसेस बहुत तरह की होती हैं तो एक गैस का नाम होता है नियोन तो नियोन इसके पार्टिकल्स आपस में कितनी दूर दूर है ये भी नज़र आ रहा है और इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है ये आपस में बहुत दूर हैं और हैं भी एक दो तीन चार पाँच छः सात इतनी ज़्यादा इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ कितने पार्टिकल्स हैं क्योंकि आपस में ये बहुत दूर हैं तो कम पार्टिकल्स होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल्स में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है लास्ट हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस वैन कैंडल्स मेल्ट और वाटर बॉयल जब कैंडल मोमबत्ती पिघलती है मेल्ट और वाटर बॉयल पान जब मोमबत्ती पिघलती है और पानी बॉयल होता है बोत चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर दोनों एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं कैंडल मेल्ट होती है कैंडल अप जब आ, हम जलाते नहीं हैं तो कैंडल सॉलिड फॉर्म में होती है मगर जब यह जल रही होती है तो इसका जो वैक्स उतर रहा होता है जो उसका मोम गिर रहा होता है तो वो मोम क्या होता है लिक्विड फॉर्म में उतर बन रहा होता है तो क्या होता है जब कैंडल मेल्ट हो रही हो और वाटर बॉयल हो तो वाटर बॉयल होकर गैस बन जाता है और कैंडल मेल्ट होकर लिक्विड हो रही है तो बोथ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर दोनों एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहे हैं नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म दिस इज़ अ फिजिकल चेंज कोई कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है तो क्या है फिजिकल चेंज है जब सिर्फ स्टेट चेंज हो कोई नया सब्सटेंस नहीं बने वही सब्सटेंस वही हो सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो गई तो वो चेंज कैसा क्या होता है हमारे पास फिजिकल चेंज वैन वुड एंड पेपर बर्न जब लकड़ी या पेपर जलता है बर्न मीन्स जलना ऐश ऐश किसे कहते हैं राख को अ न्यू सब्सटेंस इस फॉर्म क्या होता है एक नया सब्सटेंस बन जाता है वी से अ केमिकल चेंज टेकन प्लेस अब हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि हमारे पास नया सब्सटेंस क्या बन गया ऐश बन गई राख बन गई लकड़ी जलाएं पेपर जलाएं तो वो ख़त्म होकर क्या बन जाता है राख बन जाता है एक नया सब्सटेंस हमें मिल जाता है हमें एक नई चीज़ मिलती है तब हम अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है लेकिन हमारे पास लास्ट पेज पे जो हमारे पास दिया हुआ है कैंडल की डायग्राम तो कैंडल की जो डायग्राम दी हुई है इसके अंदर कैंडल ख़त्म होकर भी वैक्स ही रहेगा मोम ही रहेगा कोई नई चीज़ हमारे उस वैक्स को जोड़ेंगे तो दोबारा हमारे पास कैंडल बन जाएगी तो कोई नई चीज़ नहीं बनी है सो क्या है फिजिकल चेंज जबकि हमारे पास आ, इसमें आ, पेपर के या वुड के जलने में क्या हो रहा है ऐश हमारे पास राख हासिल हो रही है एक नई चीज़ हासिल हो रही है अब उस राख को जोड़ के हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते तो ये क्या है केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है जब केमिकल चेंज हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिल जाए तो वो चेंज हमारे पास केमिकल चेंज कहलाता है और जब हमारे पास किसी भी स्टेट के चेंज होने से कोई नया सब्सटेंस ना हासिल हो तो वो चेंज हमारे पास कौन सा होता है फिजिकल चेंज so this is the end of our chapter materials and matter next chapter we will discuss in next video thank you